हाय, वेलकम टू स्वाद अनुसार। आज हम बनाने वाले हैं मेरी सबसे फेवरेट वेजिटेबल और वो है स्टफ्ड करेले। एक ग्लास पानी, पानी को थोड़ा बॉईल होने देंगे। ये करेले हमने अच्छे से साफ कर दिए हैं और बीच में हमने स्लिट करके अंदर का सारा गुद्दा निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं सब करेले छोटे छोटे साइज के हैं। हमारा पानी अच्छे से उबल गया है, अब हम ये चिरे हुए करेले पानी में डाल देते हैं। हमारे करेले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसे पानी से निकालते हैं। इसे करीबन हमने 10 मिनट तक बॉईल किया है। ये करेलों पे मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी। अब हम पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है और हम सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च। अब डालेंगे लंबे कटे हुए दो प्याज, इसे चला लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। जब तक हमारे प्याज होते हैं तब तक हम अपने करेलों की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये हमने लिए हैं 3 आलू जिसे हमने उबाल के स्मैश कर लिया है और अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, थोड़ा सा नमक, थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर, सूखा धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, एक चम्मच सौंफ पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने करेलों को अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। पानी निकालने से करेलों की कड़वाहट एकदम कम हो जाएगी। अब हम अपने करेलों को स्टफ कर लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे करेलों को अच्छे से स्टफ कर लेंगे। हमारे करेले सब अच्छे से स्टफ हो गए हैं। अब हमारे प्याज अच्छे से हो चुके हैं और अब मैं इसे एक बोल में निकाल दूंगी। अब हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसमें हम अपने करेले डालेंगे। इसे हम आस्ते आस्ते पलटते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और पक चुके हैं। अब हम अपने फ्राई किए हुए अनियंस डाल देंगे। इसे हम हल्के से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही। दही डालने से इसकी कड़वाहट और भी कम हो जाएगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा अनारदाना, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा गरम मसाला और इसे हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। हमारे करेले तैयार है। अगर आपको करेले पसंद नहीं है तो इस तरह बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। ऐसी सिंपल रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार।